this. हेलो मेरी तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली को, आज मैं अपनी स्प्लेंडर में आपने देखा होगा जब गाड़ी का हम हेडलाइट खोलते हैं तो वो इंजन से होती है और जब भी जितनी हम रेस देते हैं उतनी उसकी लाइट कम बड़ करती है जितनी रेस के हिसाब से होती है। और मैं क्या करूँगा, मैं उसको डायरेक्ट बैटरी से करूँगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और ये देखिए लाइट कैसे कर रही है, कम्बड़ कम्बड़ कर रही है क्योंकि इस समय इंजन से है। तो चलिए अब इसके लिए हमको हेड खोलते हैं हम लोग। ये हेड खुलेगा, अब हम इस हेड को खोलते हैं। अब इसके लिए लाइट के पेंच खोलने पड़ेंगे 13 mm के। उससे अब इसको आप निकालना है इसको पूरा सही से ठीक से, और इस रबड़ में जिसमें ये रबड़ लगी होती है पानी की वजह से लगी होती है, जैसे धुलने धुलाने में वायरिंग ख़राब ना हो जाए। आपको ये जितने भी बड़े बड़े प्लग्स दिख रहे हैं आप इनको एक तरफ करें, और इसमें से जो सबसे बड़ा प्लग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तार हैं उसको आप उठाएं, और उसके अंदर आपको जो ये दिख रही होगी येलो कलर की वायर, इसमें देखें 5 तार हैं, और ये येलो कलर की जो आपको वायर दिख रही है यही हम ज़रूरी है हमारे लिए। और हम इस प्लग को खोलेंगे और जो इसके अंदर आपको ये येलो वायर दिख रही है ये सबसे कोने में लगी हुई है। जो आपको क्या करना है, आपको इस वाले हिस्से को ऐसे ही रहने देना है, जो अंदर से आ रहा है उसको ऐसे ही रहने देना। इस वाले का जो येलो वायर है उसका जो एक अंदर से आपको किसी भी पतले पेचकस से या किसी भी चीज़ से आप इसको दबा कर, और आप इसका ये जो अंदर ये आपको पिन दिख रही है आप इस पिन को बाहर निकाल लेंगे आप, और ये पिन पूरी खिंच जाएगी बाहर को। और फिर आप इस पिन को आप ऐसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मैं बता दूंगा इसका क्या करना है आपको। इसके लिए आपको येलो वायर चाहिए होगा, 0.5 mm का ले लेना आप, और इसको दोनों तरफ से लंबा सा छील लेना आप। उसके बाद जो दूसरा वाला हिस्सा है उसका येलो वायर आप ढूंढना और उसमें बस आपको इसको फिट कर देना है, और उसके बाद जो क्लिप है उस क्लिप को पूरा आप जैसे निकाला था वैसे आप कस देना उस क्लिप को। और उसके बाद आपको ये जो दूसरा हिस्सा है वो ऐसे ही रहने देना आपको, वाले जो दूसरा वाइल येलो वाला है उसको ऐसे छोड़ देना है आपको बस। अब आपको क्या करना है, आप इन इन सब वायरों में से ब्लैक वायर ढूंढने हैं, कौन से किस में ब्लैक वायर हैं। जैसे एक ब्लैक वायर मुझको ये मिला, और उसके अलावा एक नीचे ये ब्लैक वायर मेरे को कौन मिला, ये इसमें भी आप जोड़ सकते हो। तो आप देख लेना कलर का कुछ हो सकती है दिक्कत कोई और आपकी गाड़ी हो तो, बस येलो वायर आपको यही मिलेगा हर बाइक में, बस ये ब्लैक वायर का मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आप इसमें मेरी गाड़ी में ये दोनों में करंट आता है, और मैं इसी में इस वाले को खोलूँगा पहले वाले को ही, और इसमें मैं इसको घुमा दूँगा अच्छे से। इसकी जो पिन है इस पिन में अपना इसको मैं ऐसे घुमा के और इसमें दोबारा इसी के अंदर ही डाल दूंगा इसको। अब आप देखें लाइट जलने लगी इसकी, ये डायरेक्ट जल रही है, ना गाड़ी स्टार्ट है और ना कुछ,
तब भी ये लाइट जल रही है। अब ये देखिए मैं हाई बीम लो बीम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है। अब जो ये खाली वाला जो वायर बचा, आपको इसको खाली नहीं छोड़ना है इसको, तो आप इस पर टेप लगा देना अच्छे से कि इसमें पानी आने ना जाए, क्योंकि कहीं टच हो जाएगा तो फालतू में कुछ शॉर्ट आउट हो जाए आपकी वायरिंग। इसमें इस पर टेप लगा के अच्छे से, और जो ये दूसरा तार आपको दिख रहा है इसी ब्लैक वाले जो यहाँ पर टेप बहुत सारा लिपटा हुआ है, उसमें आप उसको लपेट देना आप तार को, बस बस। और फिर उसके बाद आपको ये जो जैसे आपने निकाला था इसको, तो जो इसकी ये रबड़ है, बस आप इस रबड़ को ऐसे सारे वायरों को इकट्ठा कर रहे हैं आपको, और इनको इसी रबड़ में दोबारा से डाल देना है कि पानी में भीग ना जाए वायरिंग। पूरा फिट कर लिया, अब मैं इस लाइट को जैसे निकाला था मैं उस लाइट को दोबारा वैसे ही का वैसे ही लगा दूंगा दोबारा। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, और गाड़ी स्टार्ट में वो देखिए बल्ब ज़रा सा भी ब्लिंकिंग कर रहा है, ये तो ठीक चल रहा है। और मैं आपको ये ऑफ़ कर कर दिखाता हूँ, ये देखिए, और मैं ऑन करूँगा तो उतनी ही लाइट में जलेगा, ये देखिए। अब मैं यही आपको दिखाता हूँ रात में, ये देखिए बिल्कुल ज़रा सी भी ब्लिंकिंग कर रही लाइट, ज़रा सी हिल डुल नहीं रही लाइट, बिल्कुल सही चल रही है।